No pun. जालौन जिले का एक छोटा सा गांव अब उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के रंगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सेंट्रल प्री बोर्ड एरिगेशन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इससे अब यहां के किसानों को अपने खेतों में खड़ी फसल में सिंचाई के लिए अब किसी का या फिर यूं कहें कि आसमान से होने वाली वर्षा का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि यूँ चुटकी बजाई और ऊपर से आसमान से बारिश होने लगी। पिक्चरों में आप देखते हो सूखे खेत हैं, आसमान से बारिश होने लगी, गाना बजने लगा, यानी कि कहीं ना कहीं फिल्मी अंदाज अगर आपको अगर हकीकत नज़र आने लगे तो कैसा लगेगा। जी हाँ, आज हम अपने सहयोगी नीरज सिंह तोमर के साथ आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर सिंचाई के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का पहला एक प्रोजेक्ट है जो पूरे यूपी का पहला प्रोजेक्ट है जो जनपद जालौन के उरई तहसील क्षेत्र के ग्राम जो है रगौली में स्थापित होने जा रहा है और इसको जो है सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाना है। यानी कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक विशेष सचिव उद्यान, विशेष सचिव कृषि और WRC के 2030 के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं यानी उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उन सब ने यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इसका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। अब यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट लगने वाला है कि लोगों को सिंचाई के लिए अब आसमानी बारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अक्सर देखा जाता था कि फसलें सूख रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा किसान मायूस होकर बैठ जाते थे। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद जब चाहे किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से आसमानी बारिश का आनंद ले सकता है। यानी कि इस प्रोजेक्ट को लगने के बाद ये प्रोजेक्ट अभी रगौली यानी इस खेत में जो हम आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये इसी जगह पर आगे जाके लगने वाला है और इसमें इसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपए से ऊपर की बताई गई है। और इसमें एक मोबिल सिस्टम भी लगाया गया है, यानी कि एक बार में 40 हेक्टेयर यानी कि 80 एकड़ यानी कि 250 बीघा खेतों की सिंचाई आसमानी बारिश की तरह की जा सकती है। और इसमें बूंदों का आकार किसान अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं कि उसको भारी बूंदें चाहिए, हल्की बूंदें चाहिए या किस साइज की बूंदें चाहिए। अपने खेत में फसल में ज़रूरत के हिसाब से वो इन बूंदों को सेट भी कर सकता है। इस संबंध में परमार समाज सेवी संस्था के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं अनिल कुमार सिंह, उन्होंने हमसे बातचीत में इसकी पूरी विस्तार से बताया। हम आपको अपने दर्शकों को उनकी बात भी सुनाएंगे, अनिल सिंह की बात भी सुनाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद निश्चित तौर पर सिंचाई के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएँ अभी तक पूरे यूपी में कहीं नहीं थी। और यूपी का ये गाँव यानी जालौन जिले का ये छोटा सा रगौली गाँव अब मील का पत्थर रखने वाला है सिंचाई के क्षेत्र में। जनपद जालौन के रगौली गांव में बुंदेलखंड का पहला एक ऐसा प्लांट लगने जा रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है जिससे किसानों को अब आसमानी बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपने खेतों में सिंचाई के लिए। क्या वो प्रोजेक्ट है, कैसे काम करेगा और कैसे किसानों के लिए लाभान्वित होगा? देखिए, इस प्रोजेक्ट की स्थापना हम सबको आपको पता है कि बुंदेलखंड एक सूखा प्रवण क्षेत्र है जी, और लगातार रूप से यहाँ पर इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। और अभी जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक वैश्विक समस्या है, उसी तरीके से उसके बहुत सारे पृथ्वी पर जो विपरीत प्रभाव है वो हमारे बुंदेलखंड में बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें वर्षा के समय में वर्षा ना होना, वर्षा का लेट आना, मानसून का लेट आना, अत्यधिक गर्मी बढ़ जाना जिससे फसल का उत्पादन बहुत सब प्रभावित होता है। तो ये जो सिंचाई प्रणाली है, खास करके जो पी इरीगेशन सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे लगने जा रहा है वो उसके लिए जनपद जालौन के रगौली ग्राम को जो कि डकोर विकासखंड में उसको चुना गया है जी। और इस सिस्टम के लगने से एक तो ये कि जहाँ किसानों को अपनी फसल के लिए बारिश के इंतजार के पूर्व ही जब भी उनकी कोई आवश्यकता है वो अपने खेतों में उसकी वर्षा कर सकते हैं, बूंदों का आकार अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम पानी में अधिक सिंचाई, क्योंकि ये पूरे की पूरी बूंद बूंद सिंचाई है, टपक सिंचाई की तरह ये काम करता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो ये एक बारिश के रूप में करेगा जिसको कम पानी में अधिक किसान उत्पादन ले पाएंगे। जहाँ अभी किसान सिर्फ एक फसल ले पाते हैं, इस सिस्टम के लगने के बाद उस क्षेत्र के किसान पूरे वर्ष भर 3 फसल लेंगे और एक सी फसल लगाएंगे। और
इसका जो एग्रीमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो खास करके जो हमारा नेशनल सीड कॉरपोरेशन है उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो किसान जो भी फसल का उत्पाद करेगा वो बीज के रूप में नेशनल सीड कॉरपोरेशन उनका परचेज करेगा, जिससे किसान की अतिरिक्त आमदनी बढ़ेगी। आप लोगों ने अक्सर